इंग्लिश ग्रामर बुक लेसन नंबर 10 इज एम आर। इस लेसन में हम सीखेंगे इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। ठीक है, इज का मतलब है एम हूँ, आर मतलब हैं। इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन। इज कहाँ पर यूज होता है, सिंगुलर नाउन में, तो एक चीज के लिए। और इसके अलावा इट, दिस, शी, ही और दैट, इनके साथ भी हम हमेशा इज यूज करते हैं। आर इज यूज फॉर प्लूरल नाउन्स। आर कहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और इसके अलावा वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। एम इज़ यूज फॉर टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। एम हमेशा आई के साथ ही आता है, हम अपने बारे में आई से बात करते हैं ना, मीन्स अपने बारे में, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, तो आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर जूलिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जूलिया सिंगल नाउन है, तो इज़ आई के साथ हमेशा एम, आई एम आई टीचर, तो आई के साथ क्या आ गया एम। आई एम एन ऑनेस्ट चाइल्ड, आई के साथ क्या आ गया फिर एम। वी आर स्टूडेंट्स, वी के साथ आर, मैंने भी ऊपर बताया था यहाँ पर। इट इज़ वेरी हॉट डे, इट के साथ इज, यहाँ पर बताया था ना मैंने, इट के साथ इज आएगा। दे आर ब्रदर्स, दे के साथ आर। आदि इज अ स्मार्ट बॉय, आदि सिंगुलर है तो इज। थैंक यू।